हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सरसाइज 2.8 से। उसका है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस बार 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है और हमें जो है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से पहले और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से पहले जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी वो है हमारे पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और दूसरी चीज़ है हमारे पास एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो किस तरीके से सॉल्व होगा देखते हैं इसको हम लोग। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3। होगा ये कि आपके पास इसके डिनोमिनेटर में 1 है और ऊपर वहाँ पे 1 दिया हुआ है तो हम दोनों जगह जो है रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 प्लस 4√3, यानी कि मैंने दोनों जगह है रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि x को ऊपर ले गया और यहाँ पे मैं 1 को ऊपर लेकर आ गया। उसके बाद जो अगला आपको इसमें काम करना है वो ये करना है कि हमें यहाँ पे जो है कॉन्जुगेशन करनी है। कॉन्जुगेशन करने का तरीके का ये होता है कि आपके पास जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार डिवाइड करना है लेकिन अपोजिट साइन के साथ। तो 1 अपॉन 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3 ओवर 7 माइनस 4√3। उसके बाद जो है सामने सामने हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाता है, 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। 7 7 से मल्टीप्लाई होगा 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बराबर होता है आपके पास 3 के, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। 7 माइनस 4√3 ओवर 49 माइनस 16, 3 जा 48। 49 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बच जाएगा डिनोमिनेटर में 1 जो कि बराबर है हमारे पास x के। अब यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 7 माइनस 4√3। इसके बाद जो आपको अगली चीज के अंदर फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x, क्योंकि उसको फाइंड आउट करने का मकसद हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम जो है पहले फाइंड आउट करेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो उसकी मदद से जो है फिर हम उसके ऊपर स्क्वायरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं सबसे पहले एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ निकालनी है इसके अंदर। एक्स की वैल्यू हमारे पास है या ये 7 माइनस 4√3, उसके बाद बीच में प्लस साइन आएगा और 1 अपॉन एक्स का जो आंसर आया वो आया हमारे पास 7 माइनस 4√3। वन अपॉन एक्स का वैल्यू दी गई हमारे पास 7 प्लस 4√3। 4√3 से 4√3 कैंसिल हो जाएगा, 7 में 7 प्लस करेंगे 14, जो कि आपके पास आंसर है एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का। इसके बाद जो आपको अगली चीज फाइंड आउट करनी है वो आपके पास x माइनस 1 अपॉन x, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 7 माइनस 4√3। अब आपके पास बीच में माइनस साइन है तो हम जो ये 1 अपॉन x की वैल्यू है इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 7 माइनस 4√3 आपके पास एजिट आ जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 7 माइनस प्लस माइनस 4√3 माइनस 4√3। उसके बाद होगा ये कि आपके पास जो ये 7 है ये प्लस में है और ये 7 माइनस में, आपकी बार ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की आएगी तो ये दोनों प्लस होंगे तो 4 में 4 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास ये 8√3। ये आपके पास जो आंसर है ये किसका आंसर है आपके पास x माइनस 1 अपॉन x का। हम जो है x माइनस 1 अपॉन x भी फाइंड आउट कर चुके हैं, x प्लस 1 अपॉन x भी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब जो है हम करेंगे स्क्वायरिंग या तो इसके ऊपर या तो इसके ऊपर, जिसके ऊपर भी स्क्वायरिंग करेंगे हमारे पास दोनों में आंसर सेम आएगा इस वाले का। उसके बाद जो है हमें कोई दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि हमने यहाँ पे भी लगाया है इस जगह। तो सबसे पहले हम जो है इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर लेते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के ऊपर, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑन इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 के अंदर हम जो है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं। तो x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी आपके पास इसका होल स्क्वायर आ जाएगा।
उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास जो है लगेगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो हम लगा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, 14 जो 196। अब ए की जगह आ जाएगा आपके पास x, ए की जगह x, बी की जगह 1 अपॉन x, बी की जगह 1 अपॉन x। अब आपके पास जो चीज कैंसिलेशन हो रही है उसको कैंसिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे x x कैंसिल हो रहा है, जो बच जाएगा वो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 1 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 196। उसके बाद जो आपको इसमें अगला काम करना है वो ये करना है आपको कि यहाँ पे आपके पास जो है 2 आपके पास प्लस में है, वहां जाके आपके पास माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 आपके पास जो है यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, वहां जाके आपके पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 माइनस 2। 196 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 194, क्योंकि हमारे पास आंसर है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का। इसके बाद जो अगली चीज फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो वो लिखेंगे हम x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब यहां लगेगा आपके पास फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, सपोज करें कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ आपके पास, तो बराबर होता है आपके पास ए माइनस बी और ए प्लस बी के, ए बराबर है आपके पास x के और b बराबर है 1 अपॉन x के। अब यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है a, तो a की जगह आ जाएगा आपके पास x माइनस b की जगह आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन x, a की जगह x प्लस b की जगह 1 अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x बराबर है आपके पास किसके माइनस 8 रूट 3 के, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 8 रूट 3 और आपके पास x प्लस 1 अपॉन x किसके बराबर है x माइनस 1 अपॉन x बराबर है आपके पास माइनस 8 रूट 3 के और x प्लस 1 अपॉन x बराबर है आपके पास 14 है, यहाँ दिया हुआ 14 तो इसकी जगह आ जाएगा 14। उसके बाद जो है 8 को डायरेक्ट बस 14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, तो 8 14 से यहाँ कर लेते हैं, 8 4 जो 32, 8 1 जो 8, 8 में 3 प्लस करेंगे 11, यानी कि माइनस 1 1 2 और रूट 3, जो कि हमारे पास आंसर है किसका x स्क्वायर माइनस 1 upon x square का। तो इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले चीज जो फाइंड आउट करनी है वो आपके पास x plus 1 upon x, उसके बाद जो है हमें x minus 1 upon x, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वेशन 3 में करेंगे या इक्वेशन 2 में करेंगे, मैंने आपको इक्वेशन 2 में करके दिखाई है, आप इक्वेशन 1 में भी करेंगे तो इक्वेशन 3 में भी करेंगे तो भी आंसर आपके पास 194 ही आएगा। उसके बाद जो अगली चीज फाइंड आउट करनी है वो आपके पास x square minus 1 upon x square, तो उसके लिए जो हमारे पास a minus b a plus b का फॉर्मूला लगेगा और x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू और x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू रखेंगे फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर है आपके पास x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर का। थैंक यू।